बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जिन लोगों का जन्मदिन 8 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बेवजह के विवादों से बचना है। शुरुआत में पहले 4-5 महीनों तक आपके करियर में थोड़ी दिक्कतें इस साल में दिख रही हैं, हालांकि मई से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। धन की स्थिति कुल मिला के ठीक रहेगी और ये बात इस साल में राहत की दिखाई दे रही है। क्या करेंगे, पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। पूरे साल भर आप जपेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। आज का महा उपाय जुड़ा हुआ है कि आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, जमीन है आपके पास, मकान नहीं बन पा रहा है, क्या करना चाहिए। शुक्रवार के दिन पति पत्नी मिलकर के किसी मैदान में या छत पर बालू का एक मकान बनाएं। बालू को खड़ा कर दें ऐसे त्रिभुज की तरह से, पहाड़ की तरह से, और अंदर से थोड़ा बालू निकाल दें, बालू का मकान बन जाएगा। इसके बाद उसके ऊपर लाल रंग के कपड़े की या कागज की छोटी सी झंडी लगा दीजिएगा। ये काम आप करके देखिए, 6 महीने के अंदर या तो मकान बन जाएगा या आप मकान खरीद लेंगे। बात करते हैं गुडलक मंत्र की। घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ गणेश जी का चित्र या मूर्ति मत लगाइएगा। देखिए, मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह लगाना अच्छी बात है, ओम लगा लीजिए, स्वस्तिक लगा लीजिए, मंत्र लिख के लगा लीजिए, लेकिन मुख्य द्वार पे बाहर की तरफ गणेश जी, यानी उनकी पीठ घर की तरफ हो और चेहरा बाहर की तरफ हो, ऐसे गणेश जी का चित्र या मूर्ति मत लगाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में समस्याएं और दरिद्रता निश्चित रूप से प्रवेश कर जाएगी। दिनांक 8 जनवरी 2022, दिन शनिवार, तिथि है पौष।